नमस्कार बंधुओं मैं बी के मामा सर हरीश तिवारी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं कैसे आप लोग आशा करता हूं अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे मस्त होंगे चलिए तो बेटा जुड़ जाइए आपका अपना बी के मामा सर हाजिर हो चुका है आ जाइए बेटा अपने दोस्तों को शेयर करके बुला लीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके तो बेटा देखिए आज मैं चर्चा करने वाला हूं आज मैं चर्चा करने वाला हूं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु कारक हाँ तो बेटा देखिए कारक क्या है कारक एक वैसे छोटा विषय है अपने आप में लेकिन एक कवि ने कहा इसको छोटा मत समझो इसके बिना जो है व्याकरण अधूरा है जैसे एक जी ने कहा है कि सत सैया के दोहरे जो नाविक के तीर देकत में छोटे लगे घाव करें गंभीर ठीक है बेटा तो ये कारक जो है टॉपिक है ये क्या है क्या होता है कारक इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये सारी बात मैं बताने वाला हूँ तो बस एक बार जुड़ जाइए संजय जय जय श्री जय श्रिया राम जय श्रिया राम बिल्कुल जय श्री राम किरण चौहान देवानंद बिल्कुल सबको सबके लिए सबका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ तहे दिल से स्वागत करता हूँ बेटा बस जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मामा को समझिए कि क्या क्या बताने वाले हैं मामा जी मामा जी से भांजों को कितना लाभ हो सकता है बेटा इसके बारे में आप आनंद लीजिए ठीक है बेटा चलिए तो बस क्लास को लाइक और शेयर कर दीजिए बेटा चलिए अब मैं बताने वाला हूँ कि कारक कारक क्या होता है बेटा इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है क्या होता है कारक और इसके बारे में कौन कौन से प्रश्न किस किस हद तक प्रश्न बनते हैं ये सारी बातें मैं आज बताने वाला हूं तो सबसे पहले हम कारक के प्रश्न करने के पहले थोड़ा हम कारक के बारे में जानेंगे बेटा और हम देखेंगे कि कारक होता क्या है इसका क्या होता है बेटा और इसकी परिभाषा क्या होती है और भी किसके अंदर जो है क्या क्या चीज छुपी हुई है बेटा ठीक है तो शिवांगी संजय बिल्कुल तैयार हो जाइए आप चलिए तो सबसे पहले हम जानेंगे बेटा देखना कि प्रश्न करने के पहले हम देखेंगे थोड़ा इसके बारे में जानेंगे कि ये होता क्या है बेटा तो देखना बेटा क्या है यदि कारक का शाब्दिक अर्थ शाब्दिक अर्थ देखें तो कारक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है बेटा कारक का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला अब देखना बेटा यहां एक चीज बहुत गहराई से देखना है आपको क्या देखना है करने वाला तो करने वाला कौन होता है बेटा करता होता है करता होता है कौन होता है करता होता है और क्रिया को करने वाला कौन होता है बेटा देखना गौर से यानी यहाँ हम देखें कि क्रिया को करने वाला क्रिया को करने वाला करने वाला भी क्या होता है बेटा करने वाला क्या होता है कार करता होता है अब हम दोनों में अंतर जानेंगे बेटा यदि यहाँ देखेंगे कि ये भी करता होता है और ये भी करता होता है बिल्कुल बेटा समझने वाली बात है कि यादव बिल्कुल बिल्कुल अमित बिल्कुल आपको समझना आया कि ये चीज क्या है अब देखना बेटा क्रिया को करता है वो क्या कहलाता है कर्ता कहलाता है वो भी कर्ता कहलाता है इधर इधर देखिए और मैंने लिख दिया कि कारक का होता है करने वाला जो करने वाला होता है बेटा उसको हम क्या कहेंगे कर्ता कहेंगे तो फिर हमें ये कर्ता था कर्ता यानी क्रिया को करने वाला यानी क्रिया को करने वाला कर्ता होता है तो फिर यह ये क्या काम करता है दोनों करता कैसे हो जाएंगे बेटा इसे हमें पढ़ने की आवश्यकता क्या पड़ी इसके बारे में बेटा 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 हम हम जानेंगे जानेंगे अमित बहुत गौर गौर से से देखेंगे से देखेंगे ठीक है और जानेंगे, समझेंगे तब प्रश्न पर चलेंगे चलिए देखना क्या है तो देखना इसका भी इसका काम करता यह भी करता है और यह भी करता है लेकिन यह क्रिया को करने वाला है क्रिया कोई भी हो उसको करने वाला है बिल्कुल जय महाकाल सबको राधे राधे सबको सबको सीताराम सबको बिल्कुल चलिए अब समझ गए बेटा जुड़ जाइए बस जुड़ जाइए पूरे मनोयोग के साथ देखेंगे बेटा एक एक चीज हमें समझना है कहीं हमसे कोई गलती ना हो जाए और हमारा एक नंबर हाथ से निकल जाए देखना बेटा व्याकरण के सभी अंग जो है महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं कि कि बिंदु एक अपने आप में ही महत्वपूर्ण है बिल्कुल नहीं कह सकते एक दूसरे से संबंधित हैं तो बेटा यहाँ जानेंगे हम क्या कि ये भी करता है और ये भी करता है तो ये दोनों कर्ता कैसे हो गए बेटा दोनों कर्ता कैसे हो गए बिल्कुल आनंदी समझिए आप बेटा चलिए तो ये क्या काम करता है बेटा तो ये जो क्या होता है ये पदों को जोड़ने का कार्य करता है क्या करता है बेटा पदों को जोड़ने का कार्य करता है जोड़ने का कार्य करता है जोड़ने का कार्य करता है का कार्य करता है कौन का कारक पद पद जानते हो पद यानी शब्द को कहते बेटा शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है जैसे हमने लिया राम लिया जैसे लिखते हैं राम ने क्या क्या को को पीटा अब देखना बेटा व्याकरण की दृष्टि से वाक्य को शब्दों को सॉरी शब्दों को यानी पदों को जोड़ने का कार्य करता है ये राम क्या है पद है श्याम क्या है पद है पीटा क्या है ये भी पद है क्रिया है ध्यान रखना पीटना क्या क्रिया है अब इसको जोड़ेंगे कैसे तो बेटा देखना राम ने तो ने क्या है बेटा ये परसर्ग है परसर्ग कहते हैं इसको या विभक्ति कहते हैं या कारक चिन्ह कहते हैं और को क्या है ये भी परसर्ग है ये भी परसर्ग है तो परसर्ग यानी परसर्ग का प्रयोग हम कैसे करते हैं बेटा तो ये आपकी समझ में आ गया यानी क्या है कि इसका शादी अर्थ क्या था बेटा करने वाला क्या करने वाला क्या करने वाला करता यानी कोई भी कार्य करता उसको हम करता कहते हैं लेकिन हम समझ रहे हैं कि कारक हमारे हिंदी व्याकरण में क्या कार्य करता है किसी का कोई ना कोई तो कारण होगा यानी जब उसकी आवश्यकता पड़ी होगी तभी हमने व्याकरण में पढ़ा होगा तो इसकी तय तक गए तो हमें ये पता लगा कि ये पदों को जोड़ने का कार्य करता है क्या करता है बेटा ये पदों को जोड़ने का कार्य करता है बिल्कुल क्लियर समझ में आ गई बेटा हाँ कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत है यानी कारक क्या कार्य का शादी क्या होता है करने वाला होता है और करने वाले को बेटा हम कर्ता कहते हैं और कर्ता क्रिया को करने वाला भी क्रि... करता होता है तो ये कर कारकम क्यों पढ़ते हैं बेटा तो कारक ये पदों को जोड़ने का कार्य करता है अब देखिए इसकी व्यवस्थित परिभाषा क्या बनेगी संज्ञा या सर्वनाम या तो कारक होगा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले उसे हम क्या कहते हैं बेटा कारक कहते हैं बिल्कुल सिंपल सी परिभाषा है यानी उसका संबंध दूसरे वाक्यों से ये संबंधों को जोड़ता बताता है पता चलता है ठीक है और कारक की जो पहचान करने वाले शब्द हैं यानी कारक की पहचान यानी कैसे राम ने किसने राम ने तो बेटा राम ने या कर्ता ने कर्ता ने यानी कारक की पहचान करने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं विभक्ति कहते हैं और इन्हीं को बेटा एक नाम और दिया है परसर्ग भी कहते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं बेटा कारक चिन्ह चिन कहते हैं कारक चिन्ह कारक चिन्ह कहते हैं क्लियर यहां यहां से प्रश्न एक बनेगा बेटा कैसे यानी विभक्ति का अन्य नाम क्या है तो विभक्ति का अन्य नाम क्या है बेटा भी इसको कहते हैं इसको हम कारक चिन्ह भी कहते हैं बिल्कुल क्लियर चलिए अब देखिए बेटा कारक यानी कारकों के भेद यानी कारकों की यदि हम भेद पर चर्चा करें तो ये तो विभक्ति है ये विभक्ति है यह कारक है बेटा ये कारक चिन्ह है कारक चिन्ह को हम किस नाम से जानते हैं बेटा इसको परसर्ग भी कहते हैं परसर्ग भी कहते हैं और इनको हम क्या कहते हैं विभक्ति भी कहते हैं बेटा विभक्ति यानी इन विभक्ति भी कहते हैं ये विभक्ति ये इधर देखो इधर ये विभक्ति भी कहते हैं अब देखना इनके कारक क्या है कारक चिन्ह क्या है ये सामने लिखे हुए हैं गौर देख गौर से देखना बेटा क्या देखना यानी जो जो करता है उस करता है इसकी विभक्ति क्या है ने कर्म को करण से या के द्वारा संप्रदान के लिए जिसके लिए क्रिया होती है अपादान से अलग होने का भाव यानी संज्ञा और सर्वनाम से जो पद अलग होता है वहाँ कौन सी व्यक्ति कौन सा कारक होता है अपादान होता है संबंध होता है काकी के और देखना बेटा रा री रे और ना नी ने होती होती है लेकिन प्रचलित ये तीन है बेटा गौर से देख लेना गौर से देखना प्रचलित यानी ज्यादातर प्रयोग किसका होता है बेटा इसका होता है तो कई क्लियर कोई दिक्कत बिल्कुल समझना अभी अभी मैं प्रश्न कराने वाला हूं और प्रश्न आपको ही करना है हमारे साथ आपको ही जवाब देना है बेटा ये चीज समझ लो प्रश्न यहीं से बनते हैं ज्यादातर ध्यान रखना ध्यान रखना तो से याद करोगे इसको कुछ नहीं करना कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के बाद में संबंध काकी के और अधिकरण में पर और संबोधन हे अब देखिए एक चीज एक चीज और देखिए एक चीज हमें समझना है बहुत गौर से यदि यह यहाँ पूछ लिया जाए प्रश्न यहाँ से भी बनेगा बेटा प्रश्न कहीं से भी बन सकता है और आता है प्रश्न क्या यदि पूछे कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है हिंदी में हिंदी में कारकों की संख्या संख्या हिंदी में संख्या कितनी है कारकों की बेटा तो हमारा जवाब रहेगा कितने बेटा कितने आठ आठ कारक है हिंदी में यदि पूछा जाए कि हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है तो कितना जवाब रहेगा बेटा आठ यदि पूछ ले कि मूल रूप में कारकों की संख्या कितनी है मूल रूप में मूल रूप में कारकों की मूल रूप में संख्या संख्या यदि पूछ ले तो बेटा हमारा जवाब क्या रहेगा हमारा जवाब रहेगा बेटा छह छह रहेगा रहेगा ध्यान रखना यदि मूल रूप में पूछ ले कि मूल रूप में कारकों की संख्या कितनी होती है बेटा तो मूल रूप में कारकों की संख्या छ अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन से बेटा तो ध्यान रखना एक ये कर्ता कारक ये दूसरा है यह तीसरा है ये चौथा है और यह पांचवा है और यह छठवा है यह छठवा है ये जो नहीं संबंध और संबोधन कारक को और कारक को मूल रूप में यानी मूल भाषा में मूल भाषा का जहां नाम आ जाता है बेटा तो हमारा दिमाग एकदम संस्कृत पर पहुंच जाता है हा बिल्कुल बेटा ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लो बेटा ठीक है चलिए चलिए अब देखिए ये तो करता कर्ताकार क्या होता है जिस रूप से करने वाला कर, क्रिया को करने वाले का बोध हो क्रिया को करने वाले का बोध हो उसे क्या कहते हैं बेटा उसे कारक कहते हैं जैसे इसका चिन्ह गौर से देखना बेटा इससे चिन्ह ने होता है कभी कभी कर्ता के साथ लगता है और कभी कभी वाक्य में नहीं होता लुप्त हो जाता है क्या हो जाता है बेटा लुप्त हो जाता है जब लुप्त हो जाता है तो वहां क्या कौन सा कारक कहेंगे बेटा उसको हम कहेंगे शून्य कारक इसका भी आपको ध्यान रखना है कभी कभी शून्य कारक कौन सा बेटा शून्य कारक देखना को ऐसे रमेश ने यहाँ तो जो है उदाहरण के रूप में देखिए सुनील खेलता है सुनील खेलता है।, है तो देखना बेटा यहाँ कोई कारक नहीं है तो यहाँ कौन सा है बेटा शून्य कारक कारक ऐसी कंडीशन केवल किसमें बनती है बेटा एक तो इसमें बनती है कर्ता कारक में बनती है कर्ता कारक किसे कहते हैं कि संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है यानी जो क्रिया करने वाला करने वाला होता है हाँ क्वालिटी सही नहीं है बिल्कुल बेटा आज क्या है कि थोड़ी प्रॉब्लम है वैसे क्लियर आना चाहिए बेटा चलिए देखिए तो यहां क्या कहेंगे बेटा शून्य कारक कभी कभी इसमें केवल कर्ता कारक में होती है और दूसरी होती है कर्म कारक में कर्म कारक में भी होती है कर्म कारक क्या संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं कर्म के साथ को विभक्ति व्यक्ति आती है और इसकी सबसे बड़ी पहचान होती है कभी कभी व्यक्तियों का क्या हो जाता है इसमें भी लुप्त हो जाता है और बाकी किसी में लुप्त नहीं होता बेटा तो गौर से देखिए उसने सुनील को पीठ पढ़ाया को आ गया मोहन ने यानी कर्ता ने कर्म को कर्म को सुनील को तो देखना उसने उसने सुनील को पढ़ाया तो यहाँ क्या है शून्य कारक कर का यहां पूछ ले यहाँ कर्ता का कारक क्या है बेटा तो शून्य कारक है और यदि कर्म का कारक पूछ कारक चिन्ह पूछ ले तो क्या है बेटा यहाँ कोसर्ग को है, को को है कारक चिन्ह क्या है को इसको परसर्ग कहते हैं लड़की ने लड़की ने लड़के को देखा कविता पुस्तक पढ़ रही है पुस्तक पढ़ रही है अब देखना यहाँ कविता पुस्तक को पढ़ रही है को विभक्ति होना चाहिए तो यहाँ भी बेटा पुस्तक या कैसा है या यदि इसका कारक पूछ लिया जाए तो यह क्या होगा बेटा शून्य कारक होता है बिल्कुल आपकी समझ में आ गया होगा बिल्कुल आपकी समझ में थोड़ा थोड़ा जानकारी दे रहे हैं इसके बाद तुरंत अभी मैं प्रश्नों पर चलता हूं बेटा चलिए चलिए कारक क्या होता है बेटा जिस साधन से ये जिसके द्वारा क्रिया पूरी हो जाती है यानी क्रिया करने का साधन क्या होता है उसे हम कारक कहते हैं किसके द्वारा क्रिया की जाती है साधन क्या है जैसे जैसे मोहन ने कुत्ते को डंडे से मारा तो यानी मारने का जो साधन है वो क्या होगा बेटा जैसे रहीम गेंद से खेलता है रहीम काय से खेलता है गेंद से तो यानी साधन है खेलने का खेलने का साधन क्या है बेटा गेंद तो यानी यही बात कही गई है देखना बेटा हमारी हिंदी की जो लिपि है वो तो देवनागरी लिपि है कैसी है बेटा देवनागरी लिपि है और देवनागरी लिपि वैज्ञानिक लिपि है और विज्ञान बेटा प्रमाण मांगता है प्रमाण जैसी परिभाषा होगी उसी के अनुसार उसके उदाहरण होंगे तो साधन के द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उसे हम क्या कहते हैं कर्णकारक कहते कर हैं आदमी चोर को लाठी द्वारा मारता है किसके द्वारा लाठी द्वारा के द्वारा या से मैंने आपको विभक्ति बताई थी किसकी कर्णकारक की तो यह भी आपको ध्यान रखना है ठीक है बेटा यहां देखना नोट लगा देना क्या या, या क्या है या गेंद गेंद से से और लाठी द्वारा ये क्या है करण कारक है करण यानी साधन है किसके द्वारा क्रिया हो रही है इसके द्वारा ये करण कारक है बेटा ठीक है चलिए संप्रदान संप्रदान क्रिया की जाती जिसके लिए क्रिया की जाती है बेटा वो तो संप्रदान कारक कहते हैं उसको जिसके लिए क्रिया हो रही है के लिए यानी इसकी विभक्ति क्या है के लिए? के लिए 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 यानी क्रिया किसके लिए हो रही है है वो वो कौन सा होता बेटा संप्रदान कारक होता है ठीक है है जैसे सुनील रवि के लिए गेंद लाता है। किसके लिए लाता है रवि के लिए किसके लिए लाता है रवि के लिए तो यहाँ के लिए आ जाएगा तो हम जानेंगे यहाँ कौन सा होगा बेटा यहाँ संप्रदान कारक होगा कौन सा होगा बेटा संप्रदान कारक होगा ठीक है बेटा बिल्कुल ऐसे आप पहुंच आपको पहचानना है हम पढ़ने के लिए स्कूल क्यों जाते हैं पढ़ने के लिए पढ़ने के लिए स्कूल आ जाते हैं चलिए बेटा हम्म अच्छा। अब देखो एक बात आपको विशेष सोचना है ध्यान रखना एक बात इसमें जो माइनर छिपी हुई है क्या मैंने यार नोट कर दिए उपरोक्त तो वाक्यों में मोहन के लिए पढ़ने के लिए और बच्चे को संप्रदान है ध्यान रखना अब वाक्य में करता जिसे कुछ देने का भाव होता है या जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कहते हैं विभक्ति चिन्ह के लिए होती है लेकिन जब क्रिया द्विकर्मी हो और देने के अर्थ में प्रयुक्त हो तो वहां विभक्ति को विभक्ति ही प्रयुक्त होती है अब ये चीज आपकी समझ में बिल्कुल नहीं आई होगी तो अब बेटा हम यहाँ आपको कुछ समझाने वाले हैं गौर से देखना क्रिया कितनी होती है बेटा क्रिया एक, एक कर्मक और द्विकर्मक सकर्मक तो क्रिया के कितने होते हैं बेटा एक बात दो होते हैं सकर्मक क्रिया देखिए क्रिया के दो रूप होते हैं अकर्मक अकर्मक क्रिया देखना गौर से बेटा और दूसरी होती है सकर्मक ये तो आप जानते होंगे ये तो आप जानते होंगे कि अकर्मक सकर्मक क्या होती है जिसमें जिसमें बेटा क्या होता है मां बच्चे को खिलौना देती है को यानी देने का भाव है बेटा संजय बिल्कुल समझिए हाँ बिल्कुल देखो बच्चे को खिलौना देती है के लिए या कोका भी प्रयोग होता है के कब कब वही तो बात मैं आपको समझाने वाला हूं कौन तो सा यहां देखिए मैंने ये नोट कर दिया है आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका इसका ले सकते हैं देखना वाक्य में जब क्रिया करता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं इसकी विभक्ति चिन्ह के लिए है किंतु जब क्रिया द्विकर्मी हो और देने के अर्थ में प्रयुक्त हो वहां विभक्ति भी प्रयुक्त विभक्ति ही प्रयुक्त होती है वो सारी बातें आप समझिए अब देखिए यहाँ क्या है हम आपसे पूछना चाहेंगे कि राजा ने राजा ने भिकारी को भिखारी को कंबल दान कंबल दान में दिए अब पहले देखना बेटा क्या गौर से देखना समझने वाली बात है बेटा समझना गौर से क्या यदि हम चर्चा करें कि अकर्मक क्रिया क्या होती है यानी जिसमें कर्म प्रयुक्त नहीं होता है और सकर्मक क्या होती है जिसमें सामान्य कर्म सहित यानी कर्म हो सकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है एक कर्मक और द्विकर्मक तो द्विकर्मक अब देखना बेटा क्या है कि राजा ने भिखारी को कंबल दान में दिए कंबल दान में दिए अब बेटा देखना कि इसमें क्या है अब हम आपसे पूछना चाहेंगे सब लोग तैयार हो जाइए और आप आपकी परीक्षा हो रही है ध्यान रखना कि आप इसमें ये देखो कि इसमें कर्म कितने हैं एक, एक, है।, तब एक, एक है कि दो है सब लोग कमेंट करके बताओ हमको इसमें एक कर्म है कि दो कर्मी क्रिया है बताइए बेटा तैयार हो जाइए आप पूरे मनोज के साथ बताइए बेटा शायद क्रिया आपने पढ़ी होगी देखिए राजा ने यानी यहां तो करता हो गया भिकारी को भिकारी को तो कर्म तो एक तो कर्म ये हो गया कर्म क्या दान में दिए कंबल कंबल तो बेटा ये कर्म ये हो गया तो कर्म कितने हो गए बेटा दो कर्म होना चाहिए लेकिन नहीं बेटा बिल्कुल नहीं दुई कर्मी बेटा यहां द्विकर्मी क्रिया को बिल्कुल नहीं मानेंगे क्यों कि भिखारी को कंबल दान में दिए यानी भिखारी के लिए यानी भिखारी को बिल्कुल सही हूं मैं तो सही हूं कोई दिक्कत नहीं बेटा चलिए तो बेटा यहां क्या मानेंगे यहां द्वि कर्म क्रिया नहीं द्वि कर्म क्रिया नहीं बल्कि यहां क्या है कंबल कंबल दान में दिए दिए तो यहाँ क्या मानेंगे बेटा यहाँ संप्रदान क्या मानेंगे संप्रदान कारक मानेंगे संप्रदान कारक तो कर्म कितना रह जाएगा बेटा एक रह जाएगा एक कर्म क्रिया रहेंगे चलिए ये सारी बातें बहुत गहराई से मैं जब क्रिया वाला टॉपिक आएगा ये सारी बातें तब क्लियर करूंगा लेकिन यहाँ एक छोटी सी बात थी बेटा ठीक है चलिए अपादान में क्या होता है अपादान का अर्थ होता है अलग होना जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का अलग होने का भाग होता है अर्थ सहायता के लिए होता है या साधन के रूप में होता है लेकिन यह अपादान में अलग होने का होता है जैसे हिमालय से गंगा निकलती है यानी हिमालय से अलग हो गई पेड़ से बिल्कुल नमस्कार जी बिल्कुल नमस्कार हाँ रघुनाथ बिल्कुल नमस्कार बेटा तभी का स्वागत है बेटा चलिए तो यह चीज आपकी समझ में आ रही होंगी बिल्कुल अभी प्रश्न पर चलते हैं तुरंत अभी के अभी चलिए संबंध जानते हैं एक वस्तु का संबंध दूसरी वस्तु से जाना जाए संबंध उसके लिए क्या करते हैं काकी के ये ये रहती है कारक चिन्ह रहते हैं बेटा इसकी मुख्य पहचान राहुल की किताब मेज पर है सुनीता का घर दूर है यानी का और ये की ये विभक्ति लगी होती है वहां क्या होता है बेटा संबंध कारक होता है चलिए मैं जल्दी जल्दी बताने वाला हूं अधिकरण कारक यानी जिस संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध हो यानी पुस्तक मेज पर रखी है तो पुस्तक रखने का आधार क्या है बेटा आधार आधार ये पर मैं और पर घर पर माँ है पर या लगा हुआ है तो कौन सी होगी बेटा अधिकरण होगा कौन सा होगा अधिकरण कारक होगा अधिकरण कारक होगा बेटा ठीक है यदि यहाँ कारक प्रश्न कैसे पूछता है वाक्य लिख देगा और इसमें पूछेगा कि कौन सा कारक है बेटा तो कारक भी देखना आपको बिल्कुल ठीक चलिए पर घर पर घोंसले में और सड़क पर ये कौन से बेटा अधिकरण कारक है घोंसले में चिड़िया है सड़क पर गाड़ी खड़ी है तो ये भी आपको ध्यान रखना है में पर ये जो इसकी देखना है क्या इसकी परसर्क देखना है ठीक है बेटा चलिए और संबोधन कारक क्या होता है संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे हम संबंध कारक खबरदार अगर तूने ऐसा कार्य किया तो वहां क्या है विस्मायत बोधक रीना को मत मारो रमा देखो ये कैसा सुंदर दृश्य है लड़के जरा इधर आना तो विस्मायत बोधक संबोधन संबोधन किया जाता है बेटा तो वहां संबोधन कारक किसी को पुकारने या सावधान करने के लिए जो का बोध होता है उसे हम संबोधन कारक कहते कि संबोधन किसी को संबोधन करना है बेटा तो ये होते हैं कारक मूल रूप से चलिए बेटा अब तुरंत प्रश्न पर आ जाइए ये सारी चीजें मैंने थोड़ी थोड़ी जानकारी मैंने आपको सभी को दे दी अब आप तैयार हो जाइए प्रश्नों के लिए कि प्रश्न कैसे करना है बेटा बिल्कुल मेरे साथ चलना है आपको कदम से कदम मिलाकर चलना है चलिए तो पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि हिंदी में कारक के कितने भेद होते हैं देखना बेटा क्या लिखा है बिल्कुल राहुल सोलंकी संजय बिल्कुल आपका जवाब भी सही है बिल्कुल बेटा बिल्कुल लवकुश संजय राहुल चलिए संतोष पटेल आपका भी बिल्कुल जवाब बेटा छ नहीं होते हाँ जोत हाँ ज्योत्सना बिल्कुल बिल्कुल आपका जवाब सही है रघुनाथ आपका भी जवाब बिल्कुल सही है संजय आपका भी जवाब बिल्कुल सही है बेटा प्रमुख छह होते हैं बिल्कुल प्रमुख प्रमुख नहीं होते बेटा हिंदी में प्रमुख नहीं होते यह ध्यान रखना यदि हिंदी लगे हिंदी शब्द लगा हुआ है बेटा ये लगा हुआ है तब तो आठ ही होंगे यानी यान हो कितने होते हैं मूल रूप में कितने होते हैं तब हमारा जवाब रहेगा बेटा कितने छह होते हैं ठीक है बेटा मूल रूप में कितने होते हैं छ होते हैं इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है चलिए अब देखो बेटा क्या राम ने रोटी खाई में कौन सा कारक है बड़े धैर्य से कोई जल्दबाजी नहीं है ध्यान रखना कोई जल्दबाजी नहीं है बिल्कुल बड़े आराम से सोच समझ के जवाब देना है हा राम ने आप देखना बेटा ने लगी हुई है तो हम जानते हैं करता ने करता ने कर्म को ने कर्म को कर्म को ये विभक्ति होती है विभक्ति आपको कारक और ये देखना बिल्कुल जिन लोगों का धीरज आपका भी जवाब बिल्कुल सही है लव कुश यादव आपका शिवांगी बिल्कुल 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 संजय राहुल सभी का जवाब संतोष बिल्कुल हाँ कौन सा होगा बेटा ये कर्म कारक नहीं होगा बल्कि क्या होगा बेटा कर्ता कारक होगा क्या होगा बेटा कर्ता कारक क्यों कर्ता कारक का यदि हम चिन्ह पूछ ले आपसे कि कर्ता कारक का परिसर क्या है विभक्ति क्या है बेटा तो हम जानते हैं कर्ता ने और यहाँ हमें विभक्ति दिख रही है राम ने अब ध्यान रखना बेटा यहां कोई दूसरी दूसरी विभक्ति आगे होती तो वहां आगे आ जाता ध्यान रखना बेटा ठीक है पिंकी हाँ चलिए तीसरा प्रश्न पूछ रहा है लोगों ने चोर को मारा कौन सा कारक है बिल्कुल पूरे मनोयोग धैर्य के साथ धैर्य के साथ चलना बिल्कुल बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है बेटा बताइए शिवांगी जवाब दे रही है संजय का राहुल का बी संतोष पटेल सी रघुनाथ का ए प्रश्न नंबर भी टाइप कर दिया करो सी समझ में आ जाता है बेटा लवकुश सी वी क्या कर रहे हो बिल्कुल लवकुश यादव सी धीरज गुर्जर सी हाँ, बिल्कुल सी जवाब है बिल्कुल सी जवाब है कर्म कारक है कर्म कारक कर्ता कारक नहीं है बेटा कर्ता कारक यो नहीं है लोगों ने ठीक है लोग कर्ता आ गया कर्ता ने ने लगा हुआ है लेकिन चोर को तो हमेशा ध्यान रखना जो आगे विभक्ति लगी होती है आगे विभक्ति होती है आगे चिन्ह होता है उसको पूछा जाता है बेटा ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है बेटा तो चोर को कर्म को तो कौन सा होगा बेटा कर्म कारक होगा कर्म कर्म कारक होगा कारक होगा कारम कर्म कारक होगा और इसका चिन्ह और चिन्ह की बात करें बेटा चिन्ह या विभक्ति या परसर्ग, क्या होगा बेटा तो हो क्या हो क्या हो तो हो तो को होगा क्या होगा क्या होगा को होगा तो यानी को विभक्ति लगी हुई है तो हम क्या समझेंगे कि कौन सा कारक पूछ कह रहा है कारक पूछ रहा है बेटा बिल्कुल यही देखना है हा बेटा ऐसा नहीं होता कि दो चिन्ह आ जाएं, दो चिन्ह नहीं आते बेटा बिल्कुल नहीं आते यदि किसी कारक में दो चिन्ह आ जाते हैं तो उनकी अलग अलग स्थिति बनती है बिल्कुल बनती है मैं ये भी बात बिल्कुल आपको बताऊंगा ठीक है बिल्कुल बताऊंगा ध्यान रखना जैसे ने विभक्ति होती है अब देखना प्रश्न उठता है कहां आती है विभक्ति दो यानी एक तो होता है बेटा गौर से देख लेना क्या करता ने ने कर्म को करण से यानी यहां कुछ नहीं है तो से अपादान में आती है या करण से और अपादान से वहां अलग होने का भाव होता है वहां साधन के रूप में से का प्रयोग होता है तो दोनों के कार्य अलग हो गए एक ने कहा प्रयोग होता है बेटा जब संबंध कारक की चर्चा करें संबंध कारक की चर्चा करें तो इसकी विभक्ति ना नी नी और ने लेकिन ध्यान रखना रा री और रे ध्यान रखना तो का के कि, कि, अब बेटा आपको बिल्कुल धैर्य के साथ समझना है कि देखना और ये विभक्ति ध्यान रखना कि जब एक विभक्ति होगी वो हमेशा संज्ञा के साथ प्रयुक्त होगी और ये जो, जो, जो है जो दो आती हैं अब कर्ता ने अब राम ने अब देखना बेटा राम ने राम ने तो देखना बेटा राम क्या है यहां राम क्या है संज्ञा है क्या है बेटा गौर से देखना क्या राम या क्या है संज्ञा है गौर से देखना बिल्कुल ये समझने वाली बात है आपने पूछी है कि जब दो कारक चिन्ह साथ आते हैं तो क्या होता है बेटा ये समझा रहा हूं लेकिन ध्यान रखना ये जब अब यहाँ इसकी भी ने है तो इसका प्रयोग कैसे होगा तो ये बेटा संज्ञा के साथ नहीं होता है जैसे होता है तो आपने सर्वनाम पढ़े होंगे तू मैं वह है कौ? ठीक है तो ये हमेशा सर्वनाम के साथ प्रयोग होते हैं किसके साथ होते हैं बेटा सर्वनाम के साथ सर्वनाम के साथ प्रयोग होते हैं ध्यान रखना मैंने अब ने का प्रयोग कैसे करेंगे बेटा मैंने। मैंने। तो उनके अलग अलग क्रि... अलग अलग कर्म होते हैं अलग अलग चीज होती है बेटा ध्यान रखना ये जो कारक कर्ता ने होता है ये हमेशा संज्ञा के साथ प्रयुक्त होता है और दूसरा कारक होता है ये यहां होता है और कहीं केवल यहां आता है से में आता है करण कारक में और अपादान कारक में आता है दोनों के अलग अलग रूप होते हैं वो साधन के रूप में से का प्रयोग होता है बेटा हम्म चलिए तो ये बात समझ में आ गई बेटा चलिए चौथा प्रश्न कह रहा है कि संबंध कारक के लिए तो होने वाला चिन्ह कौन सा है यहां कारक चिन्ह नहीं है तो अभी अभी मैंने बताया हम जानते हैं बिल्कुल थोड़ा सा दिमाग है कहा होता है की का प्रयोग करते हैं चिन्ह रे और ना नी और ने अब देखना ये क्या कह रहा है क्या मैं का प्रयोग होता है बिल्कुल नहीं होता क्या के लिए होता है यहां तो संप्रदान कारक है तो ये भी गलत है अब पूछ कह रहा है संबंध कारक पूछ रहा है तो संबंध कारक क्या होगा हमारा सही सा होगा पर किसका है बेटा अधिकरण का है किसका है बेटा ये चिन्ह अधिकरण का है, है अधिकरण अधिकरण का क्या है बेटा मैं है और पर है मैं और पर है बिल्कुल क्लियर कहीं कोई दिक्कत हाँ धीरज बिल्कुल आपका सही जवाब है बिल्कुल हाँ रघुनाथ बिल्कुल आपका जवाब सही है चलिए पांचवें प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए चलिए वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है पूरे मनोयोग के साथ ध्यान रखना बेटा पूरे मनोयोग के साथ देखना हाँ तब जवाब देना बेटा ठीक है पांच का कुछ लोग साथ दे रहे हैं पारुल सी दे रही हैं शिवांगी सी दे रही हैं लेकिन लवकुश का जवाब रघुनाथ का भी सी है बेटा अपादान कारक है बेटा ऐसा नहीं है अब देखना यह समझने वाला समझने वाली बात है कि कैसे हम समझेंगे या कौन सा कारक है हमने आपको बताया था कि संज्ञा और सर्वनाम से जो अलग होता है जो अलग होता है अलग होने के भाव में या तुलना के भाव में हम अपादान कारक का प्रयोग करते बेटा ध्यान रखना अब देखना वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है तो क्या वृक्ष और कुलाड़ी से अलग हो रही है यानी ब्रज से कुलाड़ी अलग हो रही है या कुलाड़ी से ब्रज अलग हो रहा है नहीं बेटा देखना है कि ब्रज काय से काट रहा है कुल्हाड़ी से यानी ब्रज काटने का जो साधन है बेटा साधन है वो क्या है कुल्हाड़ी है क्या है बेटा कुल्हाड़ी है तो या कर्म कारक नहीं होगा बेटा क्या होगा कारक होगा अपाद अपादान कारक बिल्कुल नहीं होगा कर्ता कारक नहीं होगा कारक क्या होता है बेटा कर्ता कारक में ने होता है और अपादान कारक में से होता है लेकिन अलग होने के भाव में होता है ये बात मैंने आपको क्लियर बता दी थी अलग होने के भाव में अलग होने के भाव में के भाव में बस हम यही गलती कर जाते हैं और हमारा एक नंबर कट जाता है ठीक है बेटा हाँ पारल कोई बात नहीं बेटा समझिए समझिए देखो बेटा एक बात बता दूं आपको कि अपनी गलती को स्वीकार करना भी ये भी वीरता का काम है कि लोग यानी संसार के लोग यदि अपनी गलती को क्षमा अपनी गलती को स्वीकार कर लें तो पृथ्वी पर पुनः स्वर्ग आ सकता है बेटा ठीक है बेटा तो बहुत अच्छा गुण है आप में पारुल जी मैं आप मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि यानी प्रत्येक व्यक्ति अपनी गलती को स्वीकार कर ले बेटा ठीक है समझे उस चीज को जल्दबाजी कोई नहीं है देखो हम जानते हैं कि बहुत आप बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं ठीक है बेटा बहुत अच्छा पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी समझें किस चीज क्या है हमारा गलत कहा हो जाता है कुछ बच्चे क्या होता है उन्होंने देखा कि वृक्ष से और इससे है इसमें अपादान लिख दो अपादान लिख दो लेकिन अपादान लिख लो लेकिन अपादान पेड़ से पत्ते गिरते हैं पेड़ यानी संज्ञा और सर्वनाम से अलग होता है यानी पेड़ से पत्ता गिर गया तो अलग हो गया तो वहां बेटा अपादान हो जाएगा बिल्कुल चलिए छठवें प्रश्न के लिए तैयार हो जाइए पेड़ से फल गिरा कौन सा कारक है पेड़ से पेड़ से फल गिरा अब देखना पेड़ से क्या है या अलग होने के भाव में है अलग होने के भाव में अलग होने के भाव में है बेटा बिल्कुल अलग होने के भाव में है के भाव में है ध्यान रखना तो अलग होने का भाव है यानी यहां एक से व्यक्ति होती है जो अलग होने के भाव में होती है एक से विभक्ति व्यक्ति होती है बेटा क्या साधन के रूप में होती है साधन के रूप में साधन के रूप में बेटा ध्यान रखना तो यहाँ क्या है अलग पेड़ से फल गिरा यानी पेड़ से फल गिरा तो वो अलग हो रहा है बेटा तो कौन सा संबंध कारक होगा बिल्कुल नहीं होगा कारक होगा बिल्कुल नहीं होगा कारक होगा बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि यहाँ संज्ञा सर्वनाम से अलग होने का भाव है बेटा ठीक है तो कौन सा होगा बेटा अपादान कारक होगा कौन सा होगा अपादान कारक होगा बिल्कुल पारुल आपका जवाब बिल्कुल सही है शिवांगी धीरज आपका बिल्कुल सही है बिल्कुल आपका भी सही है बेटा ठीक है चलिए संजय आपका भी बिल्कुल सटीक उत्तर है बेटा ठीक है चलिए सातवां प्रश्न गौर से देखना देखिए पहले प्रश्न को हम पढ़ेंगे पढ़ेंगे गौर से उसको समझेंगे ठीक है बेटा समझेंगे तब हम जवाब देंगे ऐसा नहीं कि हम कोई भी प्रश्न मेरे सामने आया और हम जल्दबाजी कर गए और जल्दबाजी अच्छी नहीं होती बेटा मैं पुनः कह रहा हूं इस बात को समझो किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करना चाहिए और जल्दबाजी का जो परिणाम होता है वो अत्यधिक हानिकारक होता है ध्यान रखना बेटा ठीक है चलिए तो संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत होता है उसे हम क्या कहते हैं गौर से देखना बेटा गौर से भी देखना और बताओ पूरे मनोयोग के साथ बेटा हाँ क्या अपादान होगा बिल्कुल नहीं होगा कर्म होगा बिल्कुल नहीं होगा करण होगा बिल्कुल नहीं होगा या संबंध या लगाओ ये लगाव ये चीज देखना बेटा तो संबंध कारक होगा क्यों संबंध यहाँ एक दूसरे से संबंध बताए जाते बेटा तो कौन सा होगा हमारा सटीक उत्तर रहेगा बिल्कुल जिन बच्चों ने जो है डी जवाब दिया दा जवाब दिया है उनका बिल्कुल सही है हाँ पिंकी बिल्कुल आपका सही है चलिए आठवें प्रश्न की देखते हैं हिमालय से गंगा निकलती है देखना बेटा हिमालय से जब गंगा निकली गौर से देखना जब हिमालय से गंगा निकली तो यानी हिमालय से अलग हो गई अलग हो गई यानी दूर चली गई तो अलग होने के भाव में क्या होगा संबंध कारक होगा बिल्कुल नहीं होगा अपादान कारक होगा कारक बिल्कुल नहीं होगा और कर्ताकारक बिल्कुल नहीं होगा तो क्या होगा बेटा अपादान कारक होगा आठ का बी बिल्कुल लव धीरज बिल्कुल आपका जवाब सही है बिल्कुल जवाब बिल्कुल सही है आपका रघुनाथ जी आपका बिल्कुल सही है नमस्ते सर नमस्ते बिल्कुल बेटा बिल्कुल बेटा बिल्कुल, बिल्कुल नमस्ते स्वागत तो है आपका चलिए नौवे प्रश्न को गौर से देखिए पढ़िए और जवाब सटीक जवाब दीजिए बेटा ठीक है कर्म कारक के लिए प्रयुक्त तो होने वाला चिन्ह कर्म कारक के लिए तो हम जानते हैं क्या कर्ता ने कर्म को कर्म को तो क्या होगा बेटा को होगा चिन्ह पूछा है ये कारक होता है ये कारक चिन्ह होते हैं बेटा तो ध्यान रखना ने होगा बिल्कुल नहीं है तो कर्ता का है किस का किसका है संबंध का है तो क्या होगा बेटा को होगा किसका है बेटा करण का भी है साधन के रूप में और से अपादान कारक का भी है इस बात का मुझे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए चलिए दसवा प्रश्न क्या है हरी ने बैल को मारा इसमें कौन सा कारक है बैल को को मारा को को मारा बेटा को तो हम जानते हैं क्या बताइए इतनी मैंने इल्ट दे दी आपको ये कोचन किसका है बेटा बिल्कुल कर्म का है किसका कर्म का और कर्ता का क्या है बेटा कर्ता का ने चिन्ह किसका है कर्म 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 का तो क्या, क्या होगा करम होगा बेटा को बैल को मारा इसमें कौन सा कारक है हरि ने बैल को हाँ. कर्म कारक है बेटा क्या है कर्म कारक करण कारक संबंध कारक और ये बिल्कुल नहीं है चलिए ग्यारह प्रश्न देखिए हिंदी में मूल कारक कितने हैं ध्यान रखना यहां हिंदी नहीं है मूल कारक कितने हैं मूल रूप से अगर ऐसे प्रश्न आया मूल रूप से कारक कितने बेटा तो हमारा जवाब क्या रहेगा बेटा हाँ। तो क्या रहेगा कौन-कौन से थे मैंने आपको बता दिए संबंध कारक और संबोधन कारक इसमें शामिल नहीं किए गए हैं लेकिन शामिल क्यों किए गए बेटा इनकी जो क्रियाकलाप थे वो कारक जैसे थे इसलिए हमारे हिंदी काव्य शास्त्रियों ने इनको जो है कारक में जोड़ दिया है कारक में जोड़ दिया है तो हिंदी में कितने हो गए बेटा आठ यदि मूल रूप से पूछता है कितने बेटा कितने तो मूल रूप से कितने होते हैं बेटा छ होते हैं छ होते हैं वैसे आज प्रचलित कितने हैं हिंदी में प्रचलित कितने ऐसे भी पूछ ल हिंदी में प्रचलित कारक कितने बेटा तो प्रचलित यदि दे, दे दे या कारक दे दे हिंदी हिंदी शब्द मिल जाए बेटा तो वहां कितने होते बेटा वहां आठ होते हैं ठीक है थीके? अपना कार्य स्वयं करें इसमें कारक है बड़े देखना गौर से देखना बेटा पढ़ना और देखना अपना काम स्वयं करें स्वयं करें बताइए हम्म संजय मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से बता दिया है कि संबंध कारक और संबोधन कारक को इसमें शामिल नहीं किया गया है यानी संस्कृत में संबंध कारक नहीं है और संबोधन कारक नहीं है बेटा ठीक है समझ में नहीं आ रहा देख देखिए अपना कार्य अपना और स्वयं अपना और स्वयं अपना और स्वयं क्या कहता रहा बेटा संबंध क्या बता रहे संबंध संबंध है अपना और स्वयं स्वयं और अपना देखने के सब गुड इवनिंग मोहन बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है आपका बेटा बिल्कुल स्वागत है बस जुड़ जाइए बेटा तो संबंध कारक का है संप्रदान के लिए होता है कर्ण से होता है कर्म कारक क्या होता है कोचिन होता है इसका तो हम पहचाने यहाँ क्या होता है बेटा ये होता है ठीक है चलिए तेरवा प्रश्न देखिए पेड़ से पत्ता गिरता है पेड़ से पत्ता गिरता है तो अलग यानी पेड़ से क्या हो रहा है बेटा पत्ता अलग हो रहा है अलग होने के भाव में अलग होने के भाव में तो हम जानते हैं क्या संप्रदान की इसकी विभक्ति क्या चिन्ह क्या होता है परिसर क्या होता है के लिए होता है के लिए होता है तो ये तो हो नहीं सकता अपादान की क्या होती है से यानी अलग होने के भाव में इसके अलग होने के भाव में बेटा अलग होने के भाव में अलग होना अलग होना तो यहां क्या होगा पेड़ से पत्ता गिरता है तो अपादान कारक होगा संबंध क्या थो काकि थो काकि थो थो क्या में उपर, में होता है काकी के काकी के तो काकी के यहाँ नहीं है बेटा काकी के नहीं है और अधिकरण इसका चिन्ह क्या होता है में होता है इसलिए हमारा सटीक उत्तर क्या रहेगा बेटा क्या रहेगा अपादान कारक रहेगा क्या रहेगा अपादान कारक रहेगा कारक पूछा है इसमें कारक पूछा है तो कार, कारक कौन सा होगा बेटा अपादान होगा ठीक है बेटा देखिए कभी कभी चिन्ह भी पूछ सकता है या चिन्ह पूछेगा तो भी हमें ध्यान रखना आकाश बिल्कुल हाँ बिल्कुल बेटा पीडीएफ भी डल डलवा देंगे आप बिल्कुल धैर्य रखो बेटा चलिए चौदह प्रश्न क्या कह रहा है आलोक माँ के लिए दवाई लाया के लिए यानी कोई भी क्रिया जिसके लिए होती है वह कौन सा होता है बेटा संप्रदान के लिए तो के लिए किसकी विभक्ति व्यक्ति है किसकी ये के लिए किसकी विभक्ति किस कार की विभक्ति है बेटा संप्रदान की किसकी संप्रदान की कर्ता ने कर्म को करण से ठीक है संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के भाव में तो यानी क्या होगा बेटा संप्रदान होगा कर्म नहीं होगा अपादान नहीं होगा संबंध नहीं होगा संबंध नहीं होगा बेटा कौन सा होगा संप्रदान होगा बेटा ठीक है संप्रदान होगा चलिए पंद्रह प्रश्न पूछ रहा है मोहन दूध पीता है मैं कौन सा कारक है देखना बेटा गौर से बस यही आप यही आपका परीक्षण हो रहा है आधार बैच में भी चल रही थी बेटा बहुत अच्छी चल रही थी चलिए बेटा तो देखना देखना यहाँ क्या है मोहन क्या करता है यहां देखना मोहन दूध को पीता है किसको पीता है अब हम प्रश्न कर दे यहाँ कि मोहन किसको पीता है बेटा दूध को पीता है अब देखना यहाँ क्या है कर्म कारक की कौन सी है शून्य कारक है विभक्ति कांत लगनी चाहिए शून्य कारक है ध्यान रखना तो हमने आपको बताया था कि कर्ता कारक और कर्म कारक में कभी कभी शून्य विभक्ति लगती है बेटा तो इसका क्या होगा बेटा शून्य दूध को पीता है तो क्या होगा कर्ता कर्म कारक होगा कर्ता कारक बिल्कुल नहीं होगा करण कारक बिल्कुल नहीं होगा क्यों कर्ता कारक ने होता है और संबंध काकी के होता है काकी के होता है बेटा काकी के काकी के कर्ण से यानी साधन के रूप में यदि से का प्रयोग किया जाए तो वहाँ कौन सा होता है बेटा वहां कौन सा होता है, सा होता है? कारक होता है बेटा ठीक है चलिए बहुत मन का बिल्कुल सहन बिल्कुल आपका सही है हाँ गिरजा बिल्कुल आपका सही है पारुल आपका जवाब हाँ सी नहीं है हाँ ये है बेटा ए है ए गिरजा आ सी नहीं है बेटा जिनका ए है वो बिल्कुल सटीक उत्तर है क्यों यहां छुपा मोहन दूध पीता है अब दूध पीता है यानी क्या पीता है दूध को पीता है ध्यान रखना ऐसे अंदाजा लगा सकते हैं आप ठीक है चलिए इस वाक्यांश में संप्रदान कारक है हम जानते हैं कि संप्रदान कारक को ज्ञात करने के लिए इसकी विभक्ति क्या होती है के लिए के लिए के लिए के लिए या को भी होता है को को होती ध्यान रखना लेकिन देने के भाव में को अभिव्यक्ति होती है कर्म की भी को होती है अभी अभी एक बच्चे ने पूछा था कि दो विव्यक्ति आती है तो दोनों के बेटा कर्म अलग अलग होते हैं जैसे भारत ने अमेरिका को सहायता दी तो देने के भाव में होता है बेटा वहां को विव्यक्ति का भी हम प्रयोग करते हैं को भी व्यक्ति का भी प्रयोग करते हैं लेकिन दोनों के अलग अलग रूप होते हैं अलग अलग कार्य होते हैं बेटा इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए इसलिए मैंने वहां कर दिया था बेटा तो बेटा क्या क्या होगा इसके लिए आपको बिल्कुल नहीं होगा मैं बिल्कुल नहीं होगा हृदय से सावधान देता हूं तो यहाँ कारक हो गया पूछा क्या है कौन संप्रदान कारक है किस भाग के अंश में संप्रदान कारक है इस कृपा के लिए इस कृपा के लिए यानी हम जानते हैं कि क्या संप्रदान कारक की विभक्ति क्या होती है बेटा के होती है के लिए होती है या को भी होती है संप्रदान ऐसे ध्यान रखना है यानी सम्मान के सहित प्रदान करना वो कौन सा कारक बना संप्रदान प्रदान माने होता है देना तो यहां देने के भाव में यदि कोई चीज आ जाए तो इसकी के लिए विभक्ति होती है और को भी व्यक्ति होती है को ठीक है जैसे भारत को अमेरिका ने आर्थिक सहायता दी तो बेटा देने का भाव आ जाता है माँ को भक्ति का प्रयोग होता है और कर्म का कर्म कर्ता ने कर्म को यानी कर्म को किया यानी करने का भाव होता है वह बेटा होता है ठीक है इस बात का मुझे ध्यान रखना है सर सी क्यों नहीं होगा हृदय से धन्यवाद देता हूं भाई हृदय से हृदय से धन्यवाद देना यानी वो आशीर्वाद है बेटा दुआ है मन में दे रहे हो किसी को प्रत्यक्ष रूप से नहीं दे रहे हो ठीक है ये ध्यान रखना नहीं बेटा राहुल बिल्कुल नहीं, नहीं है ये चीज नहीं है ठीक है बेटा के लिए लगा है ना के लिए गौर से देखना बेटा ठीक है किसी को देने के देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं ये सारी जानकारी पढ़ने के लिए आपको देखना हमने आपको बहुत डिटेल में बताया है ठीक है बेटा कैसे बताया है कि देने के भी अलग अलग भाव होते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं है जो दे के वापिस ली जाती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो दे दी जाती हैं जो हमेशा उसी की हो जाती हैं तो इसमें यह भी फॉर्मूला आपको ये आपका लगता है ये सारी चीजें हाँ आप यहां से कर रहे हो देता हूं भाई देता हूं दुआ दे रहे हो ना दुआ देने का नहीं बेटा आर्थिक प्रत्यक्ष रूप से जो चीज दी जाती है वो चीज होती है बेटा ठीक है हाँ चलिए सत्र में देखिए किस वाक्यांश में संबंध कारक है गौर से देखना पुस्तकालय में तो मैं किसका होता है बेटा अपादान का होता है अपादान का होता है इसमें नहीं होगा इसमें ये तो हो नहीं सकता राम की राम की तो हम जानते हैं कि काकी के संबंध किसका होता है काकी के तो इसमें क्या होता है बहुत समय से किसका होता है कर्ण का होता है कर्ण की व्यक्ति होती है सुरक्षित रखी है तो बिल्कुल राम की राम की यानी ये ये वाला नहीं ये वाला नहीं क्योंकि व्यक्ति लगी हुई है हम जानते हैं कि संबंध कारक की विभक्ति या परसर्ग बिल्कुल बेटा इसीलिए मैं कारक ये टॉपिक हल्का छोटा जरूर है मैंने आपको एक ही बात बता दी थी कि सतसैया के दौरे जो नाविक के तीर और देखत में छोटे लगे घाव करें गंभीर बेटा कारक से और बाच से प्रश्न अभी आए हैं बहुत से प्रश्न आए इसलिए मैं इस पर बहुत फोकस कर रहा हूं बेटा और मैंने आपको बताया कल मैं कल की क्लास में लेकर आऊंगा बेटा बाच से संबंधित कोई भी चीज मैं नहीं छोड़ूंगा बेटा ध्यान रखना ठीक है यानी भविष्य के लिए भी नहीं छोड़ूंगा ये तो चली रही है भविष्य के लिए भी आने वाली कोई भी परीक्षा बेटा आदमी कहता है सर बच्चे कहते हैं कि सर ये ऐसा ही में आएगा अरबी क्यों नहीं आएगा ये सब पर जहां हिंदी व्याकरण लगा है बेटा तो व्याकरण का अभिन्न अंग है ये पदों को जोड़ने का काम कर रहा है बेटा हाँ अतुल राधे 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 बेटा बिल्कुल स्वागत है बिल्कुल स्वागत है बेटा हाँ चलिए देखना बेटा गौर से और अभी प्रश्न है पंडित दूध पीता है तो दूध को पीता है बेटा को पीता है ध्यान रखना को पीता है तो क्या होगा बेटा पंडित क्या होगा बेटा पंडित दूध को पीता है देखना बेटा दूध को पीता है और पंडित ने दूध तो देखना बेटा क्या हाँ क्या कर्म, तो क्या कर्म और करण होगा बिल्कुल नहीं होगा संप्रदान संबंध होगा या कर्ता कर्म होगा या इनमें से कोई नहीं होगा बेटा तो कौन सा होगा या कर्ता भी है कर्ता कौन सा है कर्ता कौन सा है पंडित है और कर्म क्या है क्या किया उसने दूध को पिया तो क्या होगा बेटा गौर से ऐसे भी प्रश्न ऐसे भी प्रश्न दे देता है और अक्सर हम इन्हीं प्रश्नों में गलत कर देते हैं बेटा तो कर्म संप्रदान नहीं होगा और कर्म नहीं होगा बेटा क्या होगा क्या होगा ये होगा ये कर्ता और कर्म पूछा क्या है इसमें कारक पूछे हैं इस वाक्य में कारक हैं तो कारक यहां दोनों हैं दोनों दोनों हैं बेटा ध्यान रखना चलिए उन्नीसवा प्रश्न देखिए जापान ने भारत को आर्थिक सहायता प्रदान की इस वाक्य में कौन सा कारक है तो बेटा हमने आपको हम अभी अभी गौर से बताया था क्या कि कौन सा होगा बेटा हा कौन सा होगा इसमें अपादान होगा बिल्कुल नहीं होगा करता होगा बिल्कुल नहीं होगा कौन सा होगा संप्रदान होगा संप्रदान जहां देने का भाव है बेटा देने का भाव और यहाँ को विव्यक्ति लगी हुई है गौर से देखना यहाँ को विव्यक्ति का प्रयोग संप्रदान में किया गया है संप्रदान में किया गया है क्यों क्यों किया गया है हम जानते हैं बेटा क्या कि को विभक्ति किसकी होती है बेटा कर्म की होती है लेकिन मैंने आपको वहां स्पष्ट कर दिया है क्या कि जब देने का भाव होता है तो वहां हम को विभक्ति का भी प्रयोग करते हैं चलिए मेढक को पत्थर से मेढक को पत्थर से मत मारो यानी पत्थर का कारक बताइए पत्थर पत्थर से पत्थर से तो यानी हम काय से मार रहे हैं पत्थर से क्या अलग अलग हो रहा है बिल्कुल नहीं हो रहा है बेटा तो क्या होगा इसमें अधिकरण होगा या संबंध होगा या कर्म होगा या करण होगा तो अधिकरण की क्या है बेटा मैं पर होती है मैं पर मैं पर इसकी चिन्ह होता है तो मैं पर तो है नहीं बेटा संबंध काकी के होता है बेटा काकी के काकी के होता है तो इसमें यह भी नहीं तो ये भी नहीं होगा कर्म को क्या होता है को को चिन्ह होता है तो ये कर्म नहीं होगा क्या होगा कर्ण से इसका चिन्ह क्या होता है से यानी पत्थर से पत्थर का कारक बताइए पत्थर तो क्या होगा बेटा कारक चिन्ह क्या होगा इसका से होगा यानी करण कारक होगा बेटा ठीक है चलिए कारक का अर्थ होता है कराने वाला या करने वाला या बताने वाला या किए जाने वाला तो ध्यान रखना यानी करने वाला अभी अभी मैंने बताया था करने वाला क्या बताया था करने वाला यानी कारक का शब्द करती है हम, हम पूछें तो क्या होगा बेटा वा करने वाला करने वाला कौन होता है करता होता है और ये कर, क्रिया को करने वाला भी करता होता है लेकिन ये कौन सा करता होता है बेटा पदों को जोड़ने का कार्य पदों को पदों को जोड़ने का कार्य करता है क्या करता है बेटा जोड़ने का कार्य करता है क्या करता है पदों को जोड़ने का कार्य करता है बेटा पदों को जोड़ने का कार्य करता है बेटा ठीक है चलिए कारक को प्रकट करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला शब्द चिन्ह क्या, कह क्या, चिन क्या कहलाता है यानी जो कारक की पहचान बताता है बेटा तो हमने आपको बताया था इसको क्या कहते हैं बेटा चिन्ह भी कहते हैं इसको क्या कहते हैं चिन्ह भी कहते हैं और इसको क्या कहते हैं बेटा परसर्ग परसर्ग भी कहते हैं। पर, परसर्ग भी कहते कहते हैं हैं और इसको और इसको क्या कहते हैं बेटा विभक्ति भी कहते हैं क्या कहते, कहते हैं बेटा विभक्ति भी कहते हैं क्या कहते कहते हैं हैं बेटा विभक्ति तो ये सारी चीजें होती हैं ये सारी चीजें अब देखना क्रिया कहते हैं विभक्ति कहते हैं बिल्कुल कहते हैं क्रिया नहीं कहते करण नहीं कहते संप्रदान नहीं कहते इनको क्या कहते हैं चिन्ह क्या कहलाता है जो जो प्रयुक्त तो होता है चिन्ह चे, चिन्ह पूछ रहा है तो चिन्ह को हम क्या कहते हैं बेटा परसर कहते हैं और विभक्ति भी कहते हैं ठीक बेटा चलिए बाईसवा प्रश्न कह रहा है कि वह तेईसवा वह द्वार द्वार भीख मांगता चलता है अब देखना यह शून्य कारक है शून्य कारक लगा हुआ है शून्य कारक शून्य कारक क्या होगा शून्य कारक होगा बेटा शून्य कारक शून्य कारक है कारक चिन्ह नहीं है यहाँ शून्य कारक चिन्ह है कारक चिन्ह है और शून्य कारक चिन्ह क्या होगा बेटा वह द्वार द्वार पर द्वार द्वार पर भीख मांगता चलता है क्या द्वार द्वार पर भीख कहा जाता है बेटा द्वार द्वार पर तो बेटा पर तो पर किसका है बेटा अधिकरण का है में और पर ध्यान रखना द्वार द्वार पर तो हमारा क्या होगा अधिकरण होगा संबोधन नहीं होगा और अपाधान भी नहीं होगा हमारा सटीक क्या होगा बेटा हाँ हाँ चलिए चौबीसवा प्रश्न कहता है व्याकरण में कर्ता कर्ता कारक को कहते हैं व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं व्याकरण में कर्ता कारक कर्ताकारक है कारक को कहते हैं या विभक्ति को कहते हैं या क्रिया करने वाले को कहते हैं या क्रिया करने वाले को नहीं कहते तो कारक व्याकरण में कर्ता कारक कहते हैं कारक तो पूछ ही रहा है विभक्ति इसका चिन्ह होता है तो क्रिया करने वाला होता है उसे हम कहते हैं क्या कहते हैं जो क्रिया करता है बेटा उसको क्या कहते हैं करने वाले को क्या कहते हैं कारक कहते हैं अब ये कौन सी क्रिया करता है इसको क्या कहते हैं बेटा कर्ता कर्ता कारक कहते हैं अब ये कौन सी क्रिया करता है आप लोग अच्छी तरह जानते हैं क्या जानते हैं क्या करता है ये पदों को जोड़ता है बिल्कुल सही पच्चीसवा कारक देख कर्ता कारक का चिन्ह होता है अरे भाई बहुत सिंपल प्रश्न है क्या कर्ता और ने कर्ता ने तो बेटा कर्ता ने पूछा क्या है कारक का, का? चिन्ह क्या होगा तो चिन्ह होगा बेटा ने क्या होगा ने होगा को नहीं होगा से नहीं होगा के लिए नहीं होगा ने किसका है फिर ये कर्म का है तो सॉरी वो कर्ता ने ये कर्ता का है ये किसका है बेटा कर्म का है कर्म को ये किसका है बेटा करण का है और के लिए किसका है बेटा संप्रदान कारक का है ठीक है बेटा ऐसे भी आप दे सकते हैं बेटा ठीक है चलिए छब्बीसवा प्रश्न कह रहा है कि विभक्ति को अन्य किस नाम से जाना जाता है बेटा तो हम जानते हैं प्रत्यय के नाम से बिल्कुल नहीं प्रसर्ग बिल्कुल नहीं तो क्या कह सकते हैं इसको परसर्ग या उपसर्ग उपसर्ग कौन सा होता है कि शब्द शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर शब्द का अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं यह तो कोई शब्द है ही नहीं और प्रत्यय क्या होता है शब्दांश जो शब्द के मूल शब्द के बाद में लगकर उसका अर्थ बदल देते हैं तो हमारा सटीक उत्तर क्या होगा बेटा परसर्ग होगा क्या होगा परसर्ग होगा चलिए बेटा राधा ने नत किया में कारक है बताइए कौन सा होगा नत किया कौन सा होगा बेटा हाँ। और तो कोई कारक सिन्न है नहीं राधा ने तो राधा क्या है बेटा करता करता क्या हो गया कारक हो गया चिन्ह क्या हो गया बेटा ने हो गया चिन्ह क्या हो गया बेटा ने हो गया ने हो गया तो यानी करण कारक बिल्कुल नहीं संप्रदान बिल्कुल नहीं कर्म बिल्कुल नहीं तो कौन सा होगा बेटा कौन सा होगा दा होगा यानी दा बिल्कुल दा जिसका जवाब है वो तो बिल्कुल सही है बेटा चलिए वह पत्र लिखता है में कारक है वह देखना बेटा वह पत्र पत्र लिखता है वह क्या करता है पत्र को लिख को लिखता है किसको लिखता है क्या लिखता है पत्र को तो हम जानते हैं कि कोई व्यक्ति किसकी बेटा कर्म कर्म को करण से संप्रदान के लिए ये तो बिल्कुल मुखाग्र होना चाहिए अपादान से इसकी भी से है लेकिन यह अलग होने के भाव में है बेटा इसके भाव में अलग होने के भाव में अलग होने के होने के भाव में है अलग होने के भाव में है बिल्कुल क्लियर चलिए 29वां प्रश्न कह रहा है कर्ण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है कर्ण का कर्ण का शादिक अर्थ क्या होता है तो क्या साध्य होता है बिल्कुल नहीं होता कर्ण का शादिक अर्थ हमने बताया हम जान रहे भी बार बार देख रहे हैं साधन के रूप में तो कर्ण का साध्यकर्त क्या होगा बेटा साधन होगा तो साधना होगा बिल्कुल नहीं साधन होगा उद्देश्य बिल्कुल नहीं होगा बेटा क्या होगा बेटा हमारा सटीक उत्तर होगा साधन यानी कर्ण का यदि शाब्दिक पूछ लिया जाए तो क्या होगा बेटा हाँ कर्म नहीं होगा बेटा दिव्या बिल्कुल आपका जवाब सही है बेटा हम्म साधन होगा पारुल आपका भी जवाब बिल्कुल सटीक है देखिए अपादान कारक में भी व्यक्ति का प्रयोग किस अर्थ में किया जाता है देखिए प्रश्न का घुमा दिया उसने कैसे क्या अलग होना या अलग होना या तुलना का भाव होना या एक होना या कोई नहीं बताइए लास्ट क्वेश्चन है बेटा गलती मत करना दिव्या शर्मा ये जवाब दे रही